देखो भाई आप लोग कुछ भी बोलो, जेठालाल दोस्तों के साथ तो क्या किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जरा पूछो उसको कहाँ से ले रहे हो कंप्यूटर? कोपेक्स कंप्यूटर्स। ओ हो हो भाई साहब, सही जगह पे पहुंचे हैं आप। तो कितना बोला? 19,200 में दे रहे हैं ना? हाँ। वो भी ज्यादा है भाई। भाव तल कर उसके साथ, वो तुझे 13-14 में भी देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको घर में 7,000 में ही पड़ता है। कहते 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 कहे मैं संगते तेज है। अरे देवा, एक नंबर का डुप्लीकेट आदमी है, सब डुप्लीकेट माल उसमें इस्तेमाल करता है। 3-4 हफ्ता तेरा कंप्यूटर बढ़िया चलेगा, ले 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 ले। हाँ, ओ हाँ जेठा ब्रा, तुम ठीक कह रहे हो यार। वो अपनी गैराज लाइन में भी ऐसा ही होता है। वो कुछ मैकेनिक होते हैं ना, गड्डी के अंदर डुप्लीकेट पार्ट्स लगा देते हैं। उसके बाद जो गड्डी का मालिक होता है वो गड्डी तो वहां से ले जाता है, बाद में वो बीच सड़क में बंद हो जाती है और वो गड्डी का मालिक पाँ 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 करता रहता है सड़क के ऊपर। सुना भिड़े तुमने, अब भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उस आदमी से लिया जाता है जिसे जानते हो, जिस पे विश्वास हो। सड़क पे से ले लिया, किसी से भी ले लिया, फिर खराब हो गया तो घूमते फिरोगे पीछे? ओ हाँ यार पीड़ू, तूने हमको अपनी बातों में बहा दिया यार। वो जेठा ब्रा पे शक करवा दिया और अपना जेठा ब्रा चोखा एकदम डायमंड है डायमंड। जेठालाल, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या है ना, मैं वो सस्ते के चक्कर में आ गया था। लेकिन अभी तुम्हें काम करो ना, वो लोकेश भाई को फोन करके बोल दो ना, मेरा कंप्यूटर बुक कर दे करके, प्लीज कर दो। जेठा ब्रा फोन कर दो यार। भाई कोई गाय करने की जरूरत नहीं है, तू और 3-4 जगह पूछ ले, हाँ एकदम तसल्ली हो जाए, बाद में ऑर्डर कर दूंगा। जगह तुम्हारा अभी कुछ भी तसल्ली मसक्कली करने का जरूरत नहीं है, तुम कंप्यूटर का ऑर्डर दे दो। हाँ ओ हो, हाँ अभी ऑर्डर दे दो। और बीच बीच में वो क्या कर रहे थे तुम? वो जड़ा मेरे को गले में डिसऑर्डर हो गया था। किधर इधर? अरे छोड़ो ना जेठालाल, अभी यार तुम ऑर्डर करो ना लोकेश भाई को, वरना फिर कोई रस्ते का माल सस्ते के चक्कर में फंस जाएगा भिड़े। आ भिड़े यार, तू भी यार। अरे ऐसा होता तो मुझे एक बार आके बोलना तो था, उधर ही सब ये फैसला हो गया होता। मिला भिड़े। हाँ भाई लोकेश। हाँ जेठालाल। अरे भाई वो भिड़े से पहचान करवाए थे ना सुबह, हाँ तो अभी उनको कंप्यूटर चाहिए, हाँ कंफर्म है, हाँ तो कल मिल जाएगा डिलीवरी। हाँ तो ठीक है, सब रेडी करके रख देना, ओ भिड़े तुमको फोन करके आ जाएगा। हाँ ओके ओके, ले भाई हो गया तेरा बुक कंप्यूटर। मंडल आभारी है जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। मंडल आभारी, थैंक यू वेरी मच से बाहर नहीं चलेगी पिडू। अरे अब्दुल, सबके लिए मसाला सोडा बना अपने पिडू की तरफ से। अरे सोडी सोडे की क्या बात कर रहा है यार, एक बार कंप्यूटर आ जाने दे फिर सबको मैं पीयूष पिलाऊंगा। पीयूष क्या होता है? पीयूष मतलब वो एक येलो मराठी लस्सी। ओहो, फिर तो मैं पीऊंगा पीयूष। नहीं दया भाभी, मेरी बात सुनिए ना, देखिए बात को बढ़ाने का थोड़ी ना करता है। एक मिनट वही रुक जाइए। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या 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 हुआ? कोई अपने पड़ोसी के साथ ऐसा थोड़े ना करता है। पता है मेरी माँ कहती है कि पहला सगा पड़ोसी होता है। रात बेरात जब घर में मुसीबत आती है ना, तब सगे संबंधी तो बाद में आते हैं, लेकिन पड़ोसी आधी रात को मदद करने के लिए दौड़ते हैं। और मुझे ये बताइए, भीड़े बहन ने हमें अचार पापड़ आज तक दिया है, तो उसमें कभी उन्होंने अपना फायदा देखा? मैं क्या कहती हूँ सुनिए ना, कभी नहीं देखा।
उल्टा कभी कभी भीड़े बहन हमें अचार पापड़ मुफ्त में देते हैं। टप्पू के पापा आज आपने जो कारस्तान किया है ना, वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ओ गुडाई, क्या 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 कारस्तान क्या किया वो तो बता पहले। बताती हूँ भीड़े भाई को कंप्यूटर दिलाने में आपने अपना कमीशन लेने का सोचा ही कैसे? भाई भीड़े, समझा जरा इसको। हाँ जेठालाल, देव अभी आप गुस्सा मत कीजिए, देखिए जेठालाल ने कोई कमीशन नहीं लिया है। हुकुमे, हाँ? तो आपने मुझे क्यों ऐसा बताया कि जेठा भाई बीच में से कमीशन ले रहे थे? आप वो तो मुझे गलत फहमी हो गई थी माधवी। और जेठा भरा एकदम चोखा इंसान है, वो कमीशन विशन थोड़ी ना ले सकता है। लेकिन अब गलत फहमी दूर हो गई है देव अभी, हम लोग जेठा के पहचान वाले के पास से ही कंप्यूटर ले रहे हैं। अरे ले क्या रहे, इनफैक्ट अभी जेठालाल ने फोन पे ऑर्डर भी दे दिया है। तो भाई क्या, आप भी आपकी गलतफहमी की वजह से जेठा भाई को कितना सुनना पड़ा। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी गलतफहमी की वजह से दया भाभी को भी गलतफहमी हुई, लेकिन मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने दया भाभी और जेठालाल से क्षमा चाहता हूँ। टप्पू के पापा, अरे जेठालाल, अरे क्या भूल हो गई। देखिए भीड़े बहन ने सबके सामने आपके बारे में बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आ गया, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे आपको डांट दिया। सोच समझ कर नहीं डांटा है। सोच समझ के या बिना सोच समझ के, पूरी बात जाने बिना सबके सामने तूने मुझे डांटा कैसे? देखिए मेरी माँ कहती है कि आप जिसे दिल से चाहते हैं उसको डांटने का आपको पूरा हक है। वैसे आप मुझे हमेशा सोच समझ कर ही डांटते हैं, फिर भी मैंने कभी बुरा लगाया नहीं और इस तरह रूठ कर कभी नीचे लेट गए नहीं। मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ, तो आप मुझे माफ कर दीजिए और हंसिया प्लीज रिक्वेस्ट। क्या हुआ? तो क्या कहेंगे? हाँ बोलो बोलो भिड़े। हाँ मेरी लोकेश भाई से बात हो गई है।
वो 11:30 बजे तक कंप्यूटर की डिलीवरी करने वाले हैं घर पे। अरे वाह वाह, क्या बात है। ओ प्रीतम, अभी तो तुम कंप्यूटर वाले हो गए भाई। मैं तो बोलता नया विजिटिंग कार्ड छपवा लो, आत्माराम भिड़ा कंप्यूटर वाले है। अरे भाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो सस्ते के चक्कर में फंसने वाला था। हाँ, लेकिन मैं तुमको ऐसा फंसना नहीं देता ना भाई। तुम जैसे भी हो, आखिर हो तो मेरे पड़ोसी। क्या? अरे क्या क्या क्या, शिक्षकों का तुम नियम तोड़ रहे हो। अरे भाई, मैंने कौन सा नियम तोड़ा? क्यों, अभी देखो ये स्कूटर चलाते चलाते मोबाइल में बात कर रहे हो। नहीं 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 जेठालाल, मैं स्कूटर नहीं चला रहा हूँ। अरे मैं तो टेम्पो में हूँ। टेम्पो में है? टेम्पो कब लिया? अरे नहीं नहीं, टेम्पो नहीं खरीद लिया भाई। टेम्पो में मैं कंप्यूटर का टेबल और चेयर घर पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बार क्या बोलते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ ओके ओके, थैंक यू। वीडियो भाई के घर पर कंप्यूटर आ गया? नहीं, अभी आएगा। तो भीड़े के घर पे कंप्यूटर आएगा, उसमें तुझे क्या मजा आएगा? ऐसे ही मजा आएगा। क्या छोटे बच्चे की तरह मजा आएगा कर रही है। देखिए, मेरी माँ कहती है कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके मन के खांचे के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर एक छोटा सा बच्चा रहता ही है। लेकिन तुम्हारे मन में छोटा बच्चा नहीं, इतना बड़ा बच्चा है। इतना बड़ा बच्चा? सच? थैंक यू। डोबो मारो डोबो। चलो बड़ा बच्चा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किसने फेंका ये केले का छिलका? ये सोसाइटी का कंपाउंड है या किसने का डिब्बा? ये सभ्य और गुणवान लोगों की सोसाइटी है, इसमें इस तरह की हरकत करना बहुत ही गलत बात है। क्या चाचा जी, आप भी इस उम्र में केला खाकर छिलका इस तरह से सोसाइटी के कंपाउंड में फेंकते हुए आपको अच्छा लगता है? और उसके ऊपर आप हमें सिर हिला रहे? मैंने नहीं फेंका ये छिलका। चाचा जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, झूठ बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको, केले का छिलका फेंककर अंदर भागते हुए मैंने देखा आपको। ये भागते हुए वाली, मैं तो टुवाल सुखा के अंदर जा रहा था, तेरी आवाज सुन के वापस आया। मैंने नहीं फेंका ये छिलका। नहीं तो फिर किसने फेंका ये? अरे जिसने फेंका उसने, लेकिन अभी तू तो उसे सही जगह पे फेंक गया। फेंकता हूँ। इतने बुजुर्ग आदमी होके केले का छिलका फेंकते हैं सोसाइटी के कंपाउंड में, पता नहीं क्या हो गया लोगों को आजकल की दुनिया में। ए भाई, ए! क्या कर रहा? अरे केले का छिलका फेंक रहा हूँ। अरे वाह, केला खाने का घर पे और छिलका फेंकने को इधर आने का है? वापस रूप से बोल रहा है, केले का छिलका फेंक रहा हूँ। ये क्या कचरे का डिब्बा है? ये कचरे का पेटी है? तुम तो इधर छिलका फेंक के चले जाओगे, फिर यह छिलका जब तक कोई उठाएगा नहीं, तब तक सालों साल 100-200 साल इधर ही पड़ा रहेगा। उसके ऊपर मच्छर होंगे और मच्छर से फिर पूरी सोसाइटी में रोग चढ़ा फैलेगा। तुम्हारे जैसे आदमी लोगों की वजह से आज हमारे पूरे देश में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। और क्यों हो गया जेठा ब्रा? अरे यार, पत्रकार पोपट लाल केला खाता है सीविंग में और छिलका फेंकने को आता है बीविंग में। ओए पोपट, ये तो बहुत गलत बात है। और तेरे पे कोई सिविक सेंस है कि नहीं? और केला खाना तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसका छिलका तो कचरे की पेटी में डाल। बस बस बस, एक मिनट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छिलका मेरा नहीं है। पता है, ये छिलका केले का है। जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये छिलका मैंने नहीं फेंका है, तुम्हारे पप्पू बा ने फेंका है। मेरे पप्पू बा? वो कौन है? तुम्हारे परम पूज्य बापू जी। ये भाई है? ये इधर है पोपटिया, इधर इधर देख। अरे मैंने एक बार तुझे बोला तो सही कि ये छिलका मैंने नहीं फेंका है, फिर भी समझता नहीं है। पकौड़ी? चाचा जी पकौड़ी? ये पकौड़ी नहीं है, पापौड़ी। पत्रकार पोपटलाल डिब्बा। डिब्बा जैसे को तैसा मिला।
चाचा जी ये छिलका आपने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका, तो फिर किसने फेंका? अरे ये सहवाग खा रहा केला। ओए तेरे को शर्म नहीं आती केला खा के छिलका नीचे फेंक दे। सॉरी सॉरी सॉरी, लाइए छिलका ऊपर फेंक दीजिए, मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। नहीं नहीं, क्या ऊपर फेंके, क्या ऊपर फेंकी है? इस तरह से सोसाइटी के कंपाउंड में केले का छिलका फेंकते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद नीचे आके लेके जा। सॉरी सॉरी, आप साइड में रख दीजिए, मैं आके ले जाता हूँ। जेठालाल, अब पता चला मैंने केले का छिलका नहीं फेंका था। ये पोपटिया, तुझे भी पता चल गया कि मैंने भी नहीं फेंका था? हाँ चलो भैया, छिलका पकड़ के खड़ा किया, साइड में रख दे, बोला ना सहवाग ने। हाँ रखता हूँ। अरे भाई साइड में बोला तो इधर रखने का, इधर मेरे घर से आने जाने का रास्ता है भाई, इधर बापू जाएंगे पैर फिसल के गिर जाएंगे बापू जी। भाई तुम्हें जिधर रखना है उधर रख दो। ये जेठिया, उसके साथ जीबा जोड़ी छोड़ना। अरे वो तो एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा तू ही उठा के साइड में रख दे। जे बापू जी, क्या आदमी है भाई है। ये इसको साइड में बोलते थे किधर है, किसको नड़ेगा नहीं हो। दया भाभी, चाचा जी जरा। अरे बहू, अंजलि भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, कोमल भाभी। हाँ माधवी भाभी। बबीता जी, क्या हुआ? अरे माधवी भाभी क्या हुआ? हाँ हमारे घर आज कंप्यूटर आ रहे हैं। अरे अरे वाह, वो खुदा है। ओह वाओ, अच्छा शाम को सत्यनारायण की पूजा रखिए, सबको आना है। वो जरूर आएंगे जी। जरूर आएंगे। ये अब्दुल, आजा आजा आजा। अगुबे आले वट्ट। हाँ जेठालाल आ गया, कंप्यूटर टेबल चेयर आ गई। कांग्रेचुलेशन भाई। बस ओ अरे भाई आजा आजा। आ और पिनू मैं आके मदद करूं? अरे नहीं नहीं अब्दुल है ना, थैंक यू। चलो भाई मेरे राम और लखन अपने अपने काम पे चले। चलो भाई चलो। आराम से आराम से आराम से। अब्दुल आने दो आने दो आने दो। एक क्या कर रही हो, थोड़ा दम तो लेने दो। सॉरी। हाँ चलो यहाँ रखेंगे। खिड़की कैसे खोलेंगे हम लोग? अरे देवा यहाँ पे खिड़की है। आ थोड़ा आगे ले दे जल्दी। हाँ कपाट कैसे खोलेंगे फिर? अरे बाप तो रखे कहाँ, एक काम करते हैं टीवी की जगह पे रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो टीवी को कहाँ रखेंगे? अरे बेडरूम में शिफ्ट कर देंगे उसको। चलो 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 चलो। हाँ सीधे जा सीधे जा। वाह वाह चार दिस्टर है ना। अरे अब सब लोग आए लेकिन माधवी भाभी कहाँ है? आज वो नहीं आई। ये माधवी भाभी अभी तक सब्जी लेने नहीं आई बाबा, सूट है यू। अरे माधवी भाभी सब्जी लेने इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके वहाँ आज कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए उसके स्वागत में माधवी भाभी बिजी है। बराबर है। आज शाम को हम लोग उनके घर में पूजा में भी जाना है ना। हाँ, पूजा में खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कोमल भाभी, हम सब लोग कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे। बबीता जी आप क्या देंगे? मैं मिष्टी दही दूंगी। वाओ गुड। मैं तो सोचती हूँ मच्छी के शेप की मावे वाली बर्फी दूँ। हाँ उनको पसंद है। अब मैं सोचती हूँ कि एक सीडी बॉक्स दूँ। क्वाइट यूजफुल है। दया भाभी आप क्या दे रही हैं? हाँ मैं तो बूढ़े बहन को नौ वाली साड़ी दूंगी। ओहो। अरे अंजलि भाभी आप क्या देंगे? अरे बाबा हम सब लोग कुछ न कुछ जरूर देंगे, पहले उनके घर में कंप्यूटर आने तो दीजिए। अच्छा ऐसा करना है? ऐसा करते हैं। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ प्लान करते और फिर जाके कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। अरे हाँ बबीता एकदम साची वाची। इसीलिए वेट टिल द कंप्यूटर कम्स। यस।
ठीक है तो कंप्यूटर की पधरोमड़ी हो जाएगी, फिर हम कुछ प्लानिंग करेंगे, क्या कहते हैं? हाँ, दे दे मुझे। ले ले ले। ले ले। ओए पापा जी। आज हमारे घर भी कंप्यूटर आ रहा है। वाह। और आज शाम को बाबा ने पूजा भी रखी है। पूजा मतलब नाश्ता तो हो गया ना? हाँ, और तुम सबको पूजा में आना है। पहले ये तो बता नाश्ते में क्या है? अरे गोली पहले सोनू को कांग्रेस से बोल। अरे हाँ कांग्रेस। थैंक यू कांग्रेस। थैंक यू थैंक यू। अब भी बोल नाश्ते में क्या है? क्या गोली तू भी। ओ सोनू मैं तेरे कंप्यूटर में ना गेम खेलूंगा। गोगी पापा मुझे खेलने देंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। हाँ फिर भीड़े अंकल नई सूचनाओं की लिस्ट देंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, एक बार सोनू के घर पे कंप्यूटर तो आने दो, फिर भीड़े अंकल को मैं पटा लूंगा। अरे बाप रे माधवी। ए माधवी कहाँ से लो कशला ओरडता है? अरे ये देखो आज की राशि में क्या लिखा है मेरे, शनि बुध युति आपला पिच्छा पूर्वित है, पंचमात राहु आणि दशमात मंगळ असल्या कारणाने दुपारी 12 वाजेपर्यंतचा काळ हा अनिष्ट काळ आहे। अरे बाप रे। कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय अथवा खरेदी करणे टाळावे। 12 वाजल्यानंतर ग्रहाची स्थिती बदलणार असल्याने पुढचा काळ हा लाभदायक आहे। इसका मतलब अगर 12 बजे से पहले कंप्यूटर घर में आ गया तो मुहूर्त अच्छा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो अभी क्या टाइम हुआ? 11:35। अब क्या करे? आप लोकेश भाई को फोन करके बोल दीजिए ना कि अभी कंप्यूटर लेके ना आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेरे भाई लोकेश। अरे ये मिल गया। अरे माधवी फोन मेला है। ओ वायर कुठे जोडलीये? अरे देवा तू पण लावा लवकर। हा 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 जीवंत झाला। नॉट रिचेबल आ रहा है माधवी। लग जा वापस नॉट रिचेबल है। अरे देवा एक काम करता हूँ जेठा को ही फोन करता हूँ। हेलो जेठालाल भिड़े बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो भिड़े। मिल गई कंप्यूटर की डिलीवरी? अरे भाई कंप्यूटर की डिलीवरी नहीं चाहिए। ले क्यों फिर से कोई सस्ता माल खरीद रहा है? सस्ता नहीं ले रहा हूँ जेठालाल, नहीं चाहिए मतलब 12 बजे से पहले डिलीवरी नहीं चाहिए। क्यों? वो मेरे आज के राशि के हिसाब से अगर मैं 12 बजे से पहले कोई भी नई चीज खरीदता हूँ तो मुझे नुकसान हो जाएगा। भाई तो उसमें क्या है, वो लोकेश भाई को फोन करके बता दे वो 12 बजे के बाद भेजेगा। अरे भाई उसका फोन नहीं लग रहा है इसलिए तुमको फोन किया मैंने। तुम उसको दुकान में फोन करके बोल दो प्लीज। हाँ तो ठीक है मैं बोल देता हूँ उसको। ठीक है। हाँ थैंक यू। हाय ग आपका कंप्यूटर आ गया है। माफी माफी जल्दी जल्दी आओ नी। ओ भिड़े भाई सुन रहे हैं? अब हला लोकेश भाई एक मिनट कंप्यूटर को हाथ मत लगाना। क्यों? मैं नीचे आकर बताता हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ कंप्यूटर घर आ रहा है भिड़े भाई ना क्यों कह रहे हैं? और क्या देखा कहा था ना मैंने हम जब भी कुछ प्लानिंग करते ना जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं नहीं दसन है। हाँ बबीता तूने बराबर कहा था। अरे माधवी भाभी हुआ क्या? हाँ वो क्या है कि राशि के हिसाब से इनके नक्षत्रों में गड़बड़ है तो अभी कंप्यूटर अंदर नहीं ले सकते है। क्या हुआ भिड़े भाई? अरे वो लोकेश भाई मुहूर्त अच्छा नहीं है तो 12 बजे से पहले हम लोग कंप्यूटर घर पे नहीं लेके जा सकते। अच्छा ठीक है। वाजले का Thank you.
बजते हैं, 12 बजते हैं, माधवी 12 बजते हैं। स्वागत है कंप्यूटर महाराज का। आहु ये उदयनगरी अपना वाजले की मारा। आराम से, 1 मिनट आराम से मिल गया। सामान जरा। आराम से भाई, लोकेश भाई 23,400 रुपये भरा है भाई, महंगे है। हाँ बोला गणपति बाप्पा। अच्छा बीच में कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। नमस्ते। हाँ ये है, यहाँ रखते जरा थोड़ा। हाँ मैं पकड़ रहा हूँ, रखिए। माधवी कुछ लाओ ना मुंह मीठा कराने के लिए। हाँ अभी लेके आती हूँ। मीठा कीजिए आराम से आराम से। बेटे भाई आपका कंप्यूटर का कनेक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच लोकेश भाई। चलो हेलो टप्पू के पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ? वो भीड़े भाई के घर पर कंप्यूटर आने वाला था ना, अभी तक नहीं आया। अरे मैंने वो लोकेश भाई को फोन किया तो उन्होंने बताया कि कब का निकल चुका है। नहीं नहीं आ गया। तो क्या है, 12 बजे के पहले कोई अच्छा मुहूर्त नहीं था, इसलिए भीड़े भाई कंप्यूटर को लेके 12 बजे तक कंपाउंड में ही खड़े रहे। फिर 12 बजे के बाद जैसे ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हुई, भीड़े भाई कंप्यूटर को बच्चे की तरह गोद में उठाकर घर पर चले गए। अच्छा और कुछ? और कुछ मैं, हाँ, भीड़े भाई के घर पर कंप्यूटर आया है ना, उस खुशी में उन्होंने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की महापूजा रखी है, तो आप घर पर जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा। और कुछ? लगता आपको कुछ कुछ हो गया है, इसीलिए कब से और कुछ और कुछ और कुछ कह रहे हैं। अच्छा फोन रख, फोन रख। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वायभ्यंतर सुचि पुंडरीकाक्ष उपनातु पुंडरीकाक्ष उपनातु आचम्य ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षालनम् गोविंदाय नमः। फूल लेकर हाथ में भगवान का ध्यान करो। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः बृहदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विशो नो देवायव सागमन्ने भद्रं कर्णेभिः शृण्याम। बेटा लाल बस एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक कंप्यूटर लिया भीड़े ने, उसमें क्या शानदार सजावट पूजा है भाई। यही तो खासियत है हम भारतीयों की, छोटे छोटे प्रसंग भी एकदम हर्ष उल्लास से मनाते। क्या बात है जेठालाल, आज मेरी भाषा बोल रहे हो। आपका करंट लग गया। दूर बैठो, थोड़ा दूर बैठो। वैसे एक बात तो यार, अगर भीड़े जब कार लेगा तब तो पूरी सोसाइटी सजा देगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सोसाइटी नहीं भाई, आजू बाजू के 2-3 सोसाइटी सजाएगा। नहीं नहीं अच्छा, बहुत खुश है देखो एकदम। इसी के साथ पूजा संपन्न हुई, अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। चलो जी चलो।
श्री सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर औटी सेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा झुण झुण तीन पोरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर पणिवर वंदना सरळ सुंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव आता घालीन लुटांगण बंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगीन अनंत पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिय देव शुचात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोणि अभ्यं सकलत् परस्मै नारायणायति सकल परा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं मरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं मरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गणपति बाप्पा श्री सत्यनारायण देव की आप तो पंडित जी अभी कंप्यूटर शुरू करें क्या नहीं मतलब हमने ये पूजा अभी कंप्यूटर लिया ना इसके लिए रखी थी तो अभी पूजा तो संपन्न हो गई तो कंप्यूटर चालू करें आपका कंप्यूटर आपकी मर्जी पंडित जी का कोई लेना देना नहीं चालू करो मस्त है पंडित जी चलो भाई चलो कंप्यूटर चालू करते चलो अभी मैं हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग आदरणीय चाचा जी से विनती करूंगा कि वे अपने शुभ हस्तों से कंप्यूटर को शुरू करें क्या कर रहे हो चाचा जी वो नया बाबूजी कंप्यूटर क्यों बिल्ली मास्टर डर गया मुझे? अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ चाचा जी मजाक मत कीजिए अब एक काम कीजिए आप वो कंप्यूटर के ऊपर ऐसे तीन बार उतारिए और मेरे हाथ में दीजिए मैं बाद में फोड़ दूंगा दादाजी अब आप सीपीयू का बटन ऑन कीजिए कौन सा अरे वो वाला है ना बड़ा वाला ये मशीन ये हाँ एक मिनट पकड़ रहा हूँ पीछे किया चालू किया किया ना ओ, 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 अभी आएगा लाइक ना तो शुरू झाला भी शुरू होगा स्टार्ट ही नहीं हो रहा भाई ये चालू क्यों नहीं हो रहा अरे अरे दादाजी मारो बापूजी नया कंप्यूटर है तबला नहीं कहाँ दादाजी अब और एक बार बटन दबाइए फिर से हाँ चाचा जी बापू जरा बराबर बताओ बापूजी को शायद दिखा नहीं होगा कौन सा होगा बड़ा वाला ऊपर क्या छोटा भी है ना तो शायद बापूजी ने और दबा दिया होगा बड़ा वाला हाँ वो या
अभी हो गया। अभी चालू होगा देखो। कंप्यूटर अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है भाई? या बिल्ली मास्टर, तू क्या ये कंप्यूटर का खाली डिब्बा लेकर है? अंदर कुछ है कि नहीं? अरे क्या बात करें आप चाचा जी, ये जेठालाल की पहचान वाले से लिया है मैंने। जेठालाल ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? मुझे क्या पता भाई। आदमाराम, मेरे को लगता है तुमने कंप्यूटर गलत मुहूर्त पे लाया है। क्या बात करें अय्यर साहब, मैंने मुहूर्त देखा था, मैं ठीक 12 बजे के बाद ही कंप्यूटर ऊपर लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, लेकिन 12 बजे के पहले हमारी सोसाइटी में तो कंप्यूटर आ गया था ना। अरे बाप रे। हाँ जेठालाल, उस लोकेश भाई को अभी कभी फोन करो और उसको यहाँ बुलाओ और कंप्यूटर शुरू कराओ। अरे भाई वो तो डोंबिवली रहता है, उसको आने में 2-3 घंटा लग जाएगा भाई। तब तक क्या सब लोग यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? अरे नहीं भिड़े, कुछ देखते ना। अरे छोड़ी, तुम देखो ना पीछे कोई वायर वगैरह लूज तो नहीं है, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है, चेक करो ना पीछे कंप्यूटर के। हाँ मैं तो समझ गया चाचा जी। ए भाई आराम से, वो कंप्यूटर है, गड्डी नहीं है, आराम से भाई। लावलो तो मला कह भाई। कमाल है यार, पावर का तो प्लग लगाया नहीं, तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा? बोलो। अभी चालू करो अभी। अरे भाई भिड़ा तो ऐसे बिजली बचाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। कंप्यूटर चालू करने के लिए प्लग तो डालना पड़ेगा कि नहीं? देखा, राम रखे ने कौन चाखे। बाबू जी एक बार और जरा वो बटन दबाइए। हाँ हाँ प्लीज। अच्छा चाचा जी करो, अभी तो पावर का प्लग लगा दिया, बराबर अभी ऑन हो जाएगा। संभल कर। वही बटन बापू जी। हाँ ला लो, हरा हरा लाइट। हाँ लाइट लग गया, लाइट लग गया। यस कंप्यूटर चालू हो गया। कंप्यूटर है उसको तो चलाने दो। क्या चलाना क्या दो, क्या गाड़ी थोड़ी है, चलाने दो। मतलब ऑपरेट करने दो। अरे क्या सोच रहे हो बेटे, आओ बैठो कंप्यूटर की सवारी शुरू। हाँ हाँ सोड़ी एक मिनट शांत हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। चलाना नहीं आता मतलब? तो फिर कंप्यूटर लिया क्यों? जेठालाल, आत्माराम को कंप्यूटर नहीं आता है तो वो धीरे धीरे दिख लेगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ये तो एकदम रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मैं एक शिक्षक हुआ तो क्या हुआ, अरे किसी भी उम्र में सीखने में कैसी शर्म। हाँ बराबर, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भेड़ा, आजकल तो कंप्यूटर के बहुत कोर्सेज अवेलेबल है और बेसिक कोर्स तो तुम्हें 2,500 में सीखने को मिल जाएंगे। अरे देवा, और 2,500 का खर्चा होगा? बाबा आपका ये खर्चा बच सकता है। तो कैसे गए? टप्पू आपको कंप्यूटर सिखाएगा, वो स्कूल में कंप्यूटर में नंबर 1 है। हाँ तो कोई बात ना, टप्पू सिखाएगा ना भेड़ा अंकल को। हाँ पापा, मैं वीर अंकल को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं टप्पू का शिष्य? तो हाँ बेटे, क्या फर्क पड़ता है, बच्चों से सीखने में कोई शर्म नहीं है, और आजकल के बच्चे तो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। चाहे मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, हमसे ज्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ मेहता साहब, मैं भी टप्पू को सब पूछता हूँ, कंप्यूटर में मुझे कुछ पता नहीं चलता है भाई। फिर
तो बन जाओ शिक्षक बना शिष्य। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं टप्पू से कैसे सीख सकता हूँ? और पीड़ू, शिक्षक को किसी भी उम्र में किसी से भी सीखने में शर्म नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है भाई, मैं टप्पू से कंप्यूटर सीखने के लिए तैयार हूँ। तो भाई टप्पू सर कब से शुरू करेंगे? आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल से स्टार्ट करते हैं। क्यों भाई, आज क्यों बिजी हैं आप? हाँ, हाँ। क्योंकि आज हमें आपके कंप्यूटर में गेम खेलनी है। माधवी आंटी, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत भूख लगी है।